सरकार की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की गई थी जिसका लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा। वहीं आज स्थानीय जलालाबाद के लाला जगत नारायण एजुकेशन कॉलेज में 2 दिनों के बंद का आगाज किया गया। यहां पर मौजूद विद्यार्थियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर स्कॉलरशिप ना मिलने से जहां उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कॉलेज मैनेजमेंट भी भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि लाला जगत राय कॉलेज सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है और सरकार की तरफ से कॉलेज को कोई भी फंड नहीं मिलता है। ऐसे में सिर्फ स्टूडेंट की फीस से ही कॉलेज चलता है और समय पर स्कॉलरशिप ना मिलने से टीचर, बच्चे व मैनेजमेंट सभी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो गरीब माँ बाप ने बच्चों को बहुत ही मुश्किलों ने पढ़ाते हैं, आन जान से भी इन्ना खर्चा होंगे, तो जे कॉलेज दीसा वो कि भरने इन फीसा है ने बच्चे सही तरीके पढ़ सकते हैं। जेकर कॉलेज में समय सिर वजीफा मिले मिले एंड टीचर्स भी ता ही वजी आने कॉलेज, इसलिए सरकार को टाइम से वजीफा देना चाहिए। पोस्ट मैट्रिक स्कीम अधीन देने वाला वजीफा कॉलेजों समय सिर दे, क्योंकि साडा कॉलेज एक सैल्फ फाइनेंस कॉलेज है, बच्चों की फीसा तो ही चलता है। जो कि साढ़े कॉलेज का जोड़ा वजीफा है 14-15, 15-16 ते 16-17 काफ़ी पेंडिंग सरकार वाल पै है, तो जे इस वजीफा सानू समय सिर नहीं मिलता तो साढ़े कॉलेज दिए मुश्किल ने बड़िया होर वध जांदियां ने, जिदे नाल जे इस तरह जे सरकार साढ़े नाल इनजस्टिस करती रही तो साढ़े कॉलेज जेडे लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकते। स्ट्राइक हुई है जो तीनों यूनिवर्सिटीज़ की फैडरेशन ने फैसला किया है, वो प्रशासन तो मांग कर रहे हैं जी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम चल रही है बच्चों की, वो पैसे कॉलेज नहीं मिल रहे अजे। इस बाबत एक दिन पहले भी स्ट्राइक की, हम 2 दिन की स्ट्राइक की।